एसआई पेपर लीक से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मामले में नागौर डिप्टी एसपी के बेटे की भी गिरफ्तारी। एसआई करणपाल गोदारा को एसओजी ने किया गिरफ्तार। करणपाल की आई थी 12वीं रैंक। ओम प्रकाश गोदारा है नागौर के डिप्टी एसपी। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, एसआई पेपर लीक से जुड़ी बड़ी खबर है। मामले में नागौर डिप्टी एसपी के बेटे की भी गिरफ्तारी। एसआई करणपाल गोदारा को एसओजी ने किया गिरफ्तार। करणपाल की आई थी 22वीं रैंक। ओम प्रकाश गोदारा है नागौर के डिप्टी एसपी। और खबर से ज्यादा जानकारी लिए हमारे साथ जहीर अब्बास उस्मानी जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता रिडवाना से। जहीर, आपसे जानना चाहूंगी कि एसआई पेपर लीक के बारे में अब खबर आ रही है। इससे पहले कल हमने सब इंस्पेक्टर से जुड़ी जो एसओजी की कार्रवाई देखी, 15 ट्रेनी सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार किए गए। फिलहाल एसआई से जुड़ी हुई आपके पास क्या ज्यादा अपडेट है? ये देखिए, मैं आपको बता दूं, ये मामला पिछले 3-4 दिनों से चल रहा है, जिसमें एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस पेपर लीक मामले के कई मास्टरमाइंडों को गिरफ्तार किया था। इसके तहत एक गिरफ्तारी और हुई थी। जी, तो मामले में नागौर डिप्टी एसपी के बेटे की गिरफ्तारी के बारे में भी कहा जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? जी जहीर, क्या आप सुन पा रहे हैं जहीर? तो जहीर से इस वक्त हम संपर्क नहीं कर पा रहे हैं। खैर, आपको खबर बता दें कि पेपर लीक मामले से जुड़ी ये खबर है, जिसमें अब एसआई करणपाल गोदारा को एसओजी ने गिरफ्तार किया है। और मामले में नागौर डिप्टी एसपी के बेटे की भी गिरफ्तारी। वहीं पेपर लीक से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आप तक पहुंचा देते हैं। पेपर लीक और नकल गैंग की तीन मुख्य सरगना। सांचौर का निवासी 2005 में पेपर लीक गिरोह सक्रिय है, और मास्टरमाइंड जगदीश बिश्नोई ने नेटवर्क का विस्तार किया। मास्टरमाइंड ने भूपेंद्र सारण और उदाराम को गैंग में शामिल किया। भूपेंद्र सारण गैंग सेकेंड ग्रेड भर्ती परीक्षा 2022 में पेपर लीक किया। उदाराम ने 2021 में रीट का पेपर लीक किया। तो पेपर लीक और नकल गैंग के तीन मुख्य सरगना, सांचौर निवासी